वीडियो को टाइटल देखकर आप लोग आए हैं प्ले पबजी म्यूजिक विथ पाइथन, वो तो है ही, वो हम एंड में देखेंगे। और साथ ही साथ मैं इस लाइब्रेरी के ऊपर दूसरा एक पार्ट बनाऊंगा जो रहेगा इसके थोड़े एडवांस फंक्शन हम देखेंगे। इस वीडियो में आपको पबजी प्ले करना सिखाऊंगा, पबजी थीम सॉन्ग प्ले 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 करना दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग इसकी मदद से प्ले कर सकते हैं, लेकिन और भी फंक्शनलिटीज दिखाऊंगा इसी मॉड्यूल के बारे में, तो आइए वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ win sound.beep। ये लिखने के बाद सिंपल मुझे बीप मिलेगा अपने सिस्टम के ये लैपटॉप के स्पीकर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000 1000, इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 1000 मिली सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड तक ये बजेगा। तो यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, ऊपर, कहाँ पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, और जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और ड्यूरेशन है, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे रन, तो ये 1 सेकंड के लिए बजेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने हाई रख दी है थोड़ी, तो मैं यहाँ पर इसे कम करके 900 रख देता हूँ और 1 सेकंड के लिए मैं इसे रन करवाऊंगा। तो ये काफी इरिटेटिंग लग रहा है मुझे साउंड जो है वो। इनफैक्ट आप लोग इसमें फोर लूप की मदद से इसको रिपीटेडली वापस से इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो लिखता हूँ फोर आई इन रेंज, आप लोग यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वो जो है वो, मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, फोर आई इन रेंज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1.5 5 तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, किसको, इसको विन साउंड डॉट बीप, इसको, ठीक है, विन साउंड डॉट बीप। यहाँ पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डाल देता हूँ 500 और ड्यूरेशन डाल देता हूँ आधी आधी सेकंड की। यहाँ पर मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा और फिर से मैं इसे रन करूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसने 5 बार जो है वो बीप किया, 2 2 2 2। इसकी मदद से आप लोग बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि पियानो भी बना सकते हैं आप लोग इसी बीप की मदद से, किंटर की मदद से आप लोग इसमें पियानो भी बना सकते हैं। कोई बटन कोई क्लिक करे तो उस क्लिक पर कोई बीप हो, वो हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वीडियो का टाइटल देखकर आए हैं आप लोग कि पबजी म्यूजिक प्ले करो, पबजी थीम सॉन्ग प्ले होना चाहिए इसकी मदद से, तो आइए हम वो देखते हैं किस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें एक फंक्शन होता है विन साउंड में, विन साउंड डॉट प्ले म्यूजिक करके, प्ले साउंड करके एक फंक्शन होता है। इसमें क्या रहेगा, पहली आर्ग्यूमेंट रहेगी हमारी .WAV5, यहाँ पर मैं एक्सटेंशन में कमेंट आउट कर दूंगा, यहाँ पर टैब मार के, टैब या स्पेस आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर दूंगा और डॉट वेव एक्सटेंशन वाली ये म्यूजिक फाइल प्ले करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने पबजी का एक वेव फाइल रखा है यहाँ पर, तो मैं उसे प्ले करूंगा सिंपली पबजी डॉट वेव। ये पबजी डॉट वेव जो है मेरी फाइल इसी डायरेक्टरी में है, आप लोगों को सेम डायरेक्टरी में वो चाहिए होगी, यहाँ पर ये है पबजी डॉट वेव, ठीक है। तो मैं इसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा अभी के लिए, सिर्फ मुझे ये इसको प्ले करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और विन साउंड डॉट SND फाइल नेम करके एक फंक्शन होता है इसमें, तो वो हम यहाँ पर जो है वो पबजी थीम सॉन्ग प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मैं फोर लूप को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, सब कुछ कमेंट आउट है, डॉट वेव फाइल एक्सटेंशन है इसका, तो वो आप लोग ध्यान में रखना, डॉट MP4 या MP3 नहीं चलेगा, तो आप लोग वो उसका ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले, अभी से लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं सिंपली रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसने पबजी थीम सॉन्ग प्ले कर दिया है, और साथ ही साथ इसके बहुत सारे फंक्शनलिटीज भी है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इसी लाइब्रेरी की मदद से हम लोग पियानो बनाएंगे। आप लोगों ने यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस देखते होंगे पाई गेम की मदद से लोग पियानो बनाते हैं, लेकिन हम लोग इस लाइब्रेरी की मदद से पियानो बनाएंगे, और पियानो रहेगा हमारा Pi Qt 5 पे या फिर और कोई फ्रेमवर्क का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उस वीडियो में, किंटर का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो एनीवे वो वीडियो देखने के लिए और इसी को लाइब्रेरी में और सारी फंक्शनलिटीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ। तो मैं मिलता हूँ इसके किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए क्या कहूँ मैं, और
ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।